हेलो दोस्तों, आज मैं जब वीडियो अपलोड कर रहा था तो मेरे पैनल पे एरर शो हो रहा था प्रोसेसिंग का। ये वीडियो प्रोसेसिंग होते टाइम ये रिजेक्शन में चला गया और वीडियो फाइनली अपलोड नहीं हुआ। शायद आपके पैनल पे भी यही एरर आ रहा होगा। अगर ये एरर आप फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो का सॉल्यूशन इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। चलिए जानते हैं सबसे पहले इसके रीजन्स को। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये एरर मल्टीपल रीजन से क्रिएट होता है। जैसे कि अगर आपके वीडियो का साइज़ ठीक नहीं है तब भी एरर आता है, अगर आपके वीडियो का फॉर्मेट ठीक नहीं है तब भी एरर आता है, और भी रीजंस होते हैं। और अगर आपका कनेक्शन सही नहीं है यानी आपके इंटरनेट की स्पीड ठीक नहीं है तब भी ये एरर आ जाता है। तो मैं अपने केसेस की बात बताता हूँ कि सबसे पहले जब जैसे ही मैंने ये अपलोडिंग पर लगाया तो ये एरर इंस्टेंटली मेरे यहाँ पर लाइट चली गई और कनेक्शन डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसकी वजह से ये एरर आ गया। मुझे लगा, मैंने गूगल पे और बिंग पे जाके सर्च करा और यूट्यूब पे भी देखा तो कई सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको सॉल्यूशंस बताया। साइज को लेके अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो भी वीडियो फॉर्मेट यूज करते हैं एडिटिंग के लिए, जैसे फिल्मोरा हो गया या जो भी है, तो उसमें आप जाके अब थोड़ा बहुत एडिटिंग करके उसका साइज ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने कनेक्शन को चेक करके री अपलोड करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने दोबारा से इसको अपलोड करा और ये सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप नीचे मैसेज भी दे रहा है, चेक कंप्लीट, नो इशू फाउंड। तो रीजंस को ध्यान में रखते हुए आप अपने वीडियो को, अगर फॉर्मेट की वजह से यहाँ पे मैसेज भी दे रहा है रीड मोर करने के लिए, लर्न मोर करने के लिए, अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसको रेफ़र कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ये वीडियो मेरा इंटरनेट कनेक्शन की वजह से अपलोड नहीं हुआ था और बाकी फॉर्मेट, साइज और स्पीड अब बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपका भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपके थोड़ा सा भी काम वैल्यूएबल लगे, आपके काम आए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास और भी आती रहे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।